नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों टेनिस बॉल में बैट बॉल का टाइमिंग कैसे बनाएं, दोस्तों टाइमिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बनी हुई है, बट कई चीज़ें उसमें छूटी हुई हैं। आज मैं आपको प्योर टाइमिंग के बारे में ही बताऊंगा कि आप बैट और बॉल का टाइमिंग कैसे बनाएंगे। दोस्तों छक्के मारने हो, डिफेंस करना हो, ड्राइव करना हो, बैट बॉल का टाइमिंग बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका जो थोड़ा सा भी मिस टाइम हो गया तो आपका कैच उठेगा या तो आपका छक्का चौका बाउंड्री तक नहीं पहुँचेगा। तो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपने क्या करना है, आप क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊं। क्योंकि जब भी बल्लेबाजी करता है तो उसको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलता कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। जब आप अपनी गलती पकड़ेंगे तो तब आपका ऑटोमेटिक ये चीज़ों में सुधार आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी ड्रिल्स हैं, सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अब इसमें यह है कि सबसे जो पहला इसमें आता है वो आता है लेंथ को पिक करना। हमारा जो मिस टाइम सबसे पहला होता है वो ये है कि बॉल की लेंथ को जज करना। तो जज करने में क्या, जैसे मैंने बेसिक ड्रिल्स बताई हुई है बॉल को जजमेंट करने के लिए इस टाइप के लिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उस वीडियो को सबसे पहले देखना, क्योंकि बॉल जज करने से ही आपको पता लगेगा कि मिस टाइम क्यों हो रहा है। अब देखो, माना मैं एग्जांपल देता हूँ, बॉल आ रही है यहाँ पर, यानी फुल लेंथ या गुड लेंथ की बॉल आ रही है आपकी, और फुल लेंथ और गुड लेंथ में आप क्या कर रहे हैं, बैक फुट जा रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है बॉल आ रही फुल लेंथ की और हम जा रहे हैं बैक फुट से मारना, यानी यहाँ पर बॉल गिर रही है और या तो हम उसको पुल कर रहे होते हैं या तो हम उसको बैक फुट में पंच या इस टाइप से खेल रहे होते हैं बैक फुट जाके। अगर आपकी बॉल यहाँ पे टप्पा खा रही है और आप उसको उसके लिए पीछे जा रहे हो, तो जब तक आप पीछे जाओगे तब तक तो बॉल आपकी विकेट में घुस जाएगी या मिस हो जाएगी या आपके पैरों में लग जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फुल लेंथ की डिलीवरी में हमेशा ही फ्रंट फुट में खेलना है, यानी आगे पैर निकाल के खेलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। चाहे आप डिफेंस कर रहे हों, चाहे आप उसको ड्राइव मार रहे हों, चाहे आप उसको छक्का मार रहे हो, पीछे जाके कभी नहीं खेल सकते इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप सुधारो, बेसिक वीडियोस देखो कैसे लेंथ को पिक करना है वो देखो, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जब नज़दीक की बॉल में आप सीधे जाओगे तो आपका बैट बॉल का कॉन्टैक्ट 100% होगा। सेम उसी चीज़ को शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल में क्या होता है, शॉर्ट बॉल में हम लोग बॉल उतनी पीछे है और हम क्या कर रहे हैं, सीधे यहीं से छक्का मार रहे हैं, मतलब यानी बैक फुट जा ही नहीं रहे, शॉर्ट लेंथ की बॉल को हम सीधे आगे छक्का मार रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, शॉर्ट लेंथ की बॉल कहाँ आएगी, आपके चेस्ट लेवल तक या तो यहाँ तक, अगर ग्राउंड उतना अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ तक आएगी, ग्राउंड अगर अच्छा बाउंसी होगा तो चेस्ट तक जाएगी। जब तक बॉल वहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब तक आपका बैट निकल चुका होगा, बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पहुँचने के बाद बॉल आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये जानना ज़रूरी है कि शॉर्ट लेंथ की बॉल में आपने आगे से छक्का नहीं बल्कि पीछे जाके मारना है, क्योंकि जब तक बॉल आपका यहाँ पहुँचेगा आपने बैक फुट जाके उसको तिरछे बल्ले से खेलना, खड़े बल्ले से कभी मत खेलना उसको, तिरछे बल्ले से। अगर सीधे चेस्ट लेवल की है या थोड़ा सा लेग साइड में है तो आपने उसको सीधे से बैक फुट में खेल देना है, तभी आपका बैट और बॉल का कांटेक्ट सही होगा। अगर यही बॉल ऑफ साइड में आती है, इस लाइन में आती है या थोड़ा वाइड के एरिया में आती है, तो आपने सेम बैक फुट में जाके उसको कट शॉट मारना है। ज़्यादा ऊपर होती है तो जैसे वीरेंद्र सहवाग मारते थे ऊपर से ऐसे मारना है। तो ये तो हो गया पहला जो टाइमिंग के ऊपर है, लेंथ को। गलत लेंथ में खेलोगे तो आपका बैट बॉल का कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, होगा भी तो कैच उठ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है बॉल को लास्ट मोमेंट तक न देखना। अक्सर लोगों का क्या होता है, बॉल जब आती है फुल लेंथ की बॉल भी आती है तो उसमें क्या होता है, सही लाइन में न जाना। अगर बॉल फुल लेंथ की है, जा रहा है वो आगे ही जा रहा है, लेकिन क्या है दूर से कर रहा है, बहुत दूर से कर रहा है, तो उसका टाइमिंग सही नहीं होता या तो एज लगता है। इसलिए बोलते हैं कि जितना बॉल के क्लोज जाओगे, यहाँ पे ऑफ में बॉल गिर रही, जितना आप उसके नज़दीक में पैर ले जाओगे, पैर और ये बैट जितना नज़दीक होगा उतना अच्छा आपका शॉट लगेगा। अगर आप दूर से मार रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं बॉल ये आ रही है तो इतना दूर से मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी आपका मिस टाइम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, कई बार जो
फास्ट बॉलिंग होती है, वो बहुत तेज़ बॉलिंग होती है। जितनी तेज़ बॉल हमने खेली नहीं होती है, उतनी तेज़ बॉल कई बार हम टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तेज़ बॉल खेलने को मिलती है, वो भी हमसे टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि जब तक कि बॉल आती हमारे पास आएगी तब तक हमारा हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता, सही होता ही नहीं, तेज़ हम मूवमेंट नहीं कर पाते, तेज़ क्विक मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉल निकल जाती पता ही नहीं चलता। तो उसमें आपने क्या करना है कि तेज़ बॉल को खेलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने पहले कभी उतनी फास्ट बॉल खेली नहीं है और आप सडनली फास्ट बॉलिंग खेल रहे हैं तो आपसे बॉल जज होगा ही नहीं, बहुत तेज़ आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा निकलगी। फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपके पास फास्ट बॉलर है नहीं गाँव घरों में, तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेनिस बॉल को पानी में भिगाना है, सबसे पहला तरीका, उसको पानी में भिगाना है। पानी में भिगने के बाद क्या होता है, बॉल स्किट करती है, बहुत तेज़ी से जाती है, और आप प्रैक्टिस करिए सीमेंट की पिच में, सीमेंट की पिच में और बिल्कुल डबल स्पीड हो जाती है जब भी आप उससे बॉलिंग करोगे तो उसके लिए क्या होगा, आपका बैट ख़राब हो सकता है पानी से, तो इसमें क्या है, एक टेप आता है चौड़ा सा सेलो टेप, उसको पूरा इससे बांध लीजिए, मतलब चिपका लीजिए इसमें, तो बैट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, जितना फास्ट बॉल में आप प्रैक्टिस करोगे, एक बॉल दो बॉल खेलने से या दस चार ओवर पांच ओवर खेलने से आपके बॉल समझ में नहीं आएगी, आपका बॉल का टाइमिंग बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना, आपने कम से कम 500-1000 बॉल आपने फास्ट डिलीवरी, जो डिलीवरी में जिस बॉल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है खेलने में, वो डिलीवरी सबसे ज़्यादा खेलिए, उस बॉल को सबसे ज़्यादा खेलिए, ताकि आपकी उस टाइप की प्रैक्टिस हो सके और आपकी टाइमिंग सही बन सके, क्योंकि जब तक बॉल आएगी इतनी तेज़ आएगी आपका बैट चलेगा नहीं, तो इसलिए बैट का स्विंग भी इसमें बहुत मैटर करता है। बैट क्या होता है, हम लोग क्या है, बैक लिफ्ट से तेज़ ला नहीं पाते हैं, उतना स्पीड में ला नहीं पाते, तो इसलिए बैक लिफ्ट भी होना आपका सही है और बैट का स्विंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा बैट का स्विंग होगा उतना तलजी, जितना तेज़ बॉल आएगा उतना ही तेज़ आपका बैट आएगा, तभी आपका टाइमिंग होगा। अगर आप बॉल आने तक आपका बैट लेट पहुँचा तो तब भी आपका टाइम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था तेज़ी से कैसा एक्शन हो, क्योंकि फास्ट बॉलिंग खेलने में हमको सबको दिक्कत आती है तो क्या है, हमने क्या करना है, पूरे पिच से प्रैक्टिस नहीं करनी है। 22 यार्ड का पिच होता है तो कम से कम 18 यार्ड से हमने प्रैक्टिस करनी है। 18 यार्ड से प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिएक्शन करने का टाइम कम मिलेगा, मतलब जब तक कि वो बॉल फेंकेगा आप उतनी जल्दी से एक्शन में नहीं आ पाओगे 18 में। तो जब 18 में आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी, तो 22 गज से आपको कुछ भी नहीं लगेगा, उसके बाद काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें बैट का पलटना। क्या होता है, फास्ट बॉल में हम लोग जब बॉल खेलते हैं तो हमारा अक्सर क्या होता है, बैट बॉल में लग के पलट जाता है, जिसकी वजह से कैच उड़ जाता है। ये सबसे, तो इंटरनेशनल में भी आपने देखा होगा, कई बार हाथों का पावर कम होने की वजह से भी होता है, कई बार हम जो बैक लिफ्ट है गलत लाने की वजह से होता है। तो हाथों का पावर बढ़ाने के लिए क्या करना, आपने एक हैंड ग्रिप आता है ऐसे ऐसे पिचकाते हैं, तो इस टाइप से आपने ये आपका काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको दबाने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों हाथों से आपने इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बैटों के लिए मैंने पहले बताया हुआ, बैट ऐसे ऐसे आपने बाजू काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो इस टाइप से कलाई स्ट्रॉन्ग बनाने, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। तो ये आपका थोड़ा बाजू स्ट्रॉन्ग होगा तो बैट का ग्रिप आपका मजबूत होगा, तो मजबूत होगा तो आपका जो है बैट उतना पलटेगा नहीं। नेक्स्ट जो इसमें आता है, ये तो हो गया होल्ड करना, अब ये क्या करना कहाँ पर है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था बैट ग्रिप, जो ये लाइन आता है वो इस एरिया में लगाना आपने, और ये जस्ट उसके ये जो सीधा इसका ये धार आ रही, इसकी धार सीधे यहाँ पर इसके आपके यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर जब शॉट मारने के लिए आते हैं, जब बैट और बॉल का कांटेक्ट होता है, चाहे आप ऑफ में मार रहे हो, स्ट्रेट में मार रहे हो या लेग में मार रहे हो, कांटेक्ट होते समय आपका बैट सीधा होना चाहिए। अगर आप यहाँ से ऐसे लाए स्ट्रेट की बॉल के लिए, बैट ऐसा आया तो लगेगा कहाँ, इस एरिया में लगेगा, तो बैट थोड़ा सा उसकी फोर्स की वजह से बैट पलट जाएगा, या आपका बैट आप लेके आ रहे हो और ऐसा है बैट तो इस तरफ ज़्यादा लगेगा, ऐसे बैट पलटेगा, कैच चला जाएगा इस साइड को। तो कभी भी कोई भी आप शॉट मारते हैं, उसमें क्या है, शॉट मारने में जब आप हिट कर रहे हो, हिट करते समय यहाँ पे बैट पहुँचा है, बॉल भी यहाँ पर पहुँची है, तो ठक
सीधा होना चाहिए बल्ला, उसके बाद भले आप मारने के बाद भले आपका यहाँ जाने के बाद ऐसा टेढ़ा हो सकता है, तो यहाँ जब कॉन्टैक्ट हो रहा है एकदम सीधा बैट होना चाहिए। ऐसा या ऐसा हो गया तो मैंने बता दिया बैट बॉल टाइम हो जाएगा लेकिन पलट जाएगा, इस चीज़ की वजह से कैच उड़ जाएगा सेम स्टेट में सेम लेग में। तो जब कॉन्टैक्ट हो रहा है तब एकदम सीधा होना चाहिए बैट, तभी आपका बैट पलटेगा नहीं और बॉल सही टाइमिंग होगा। बाकी दोस्तों टाइमिंग बनाने के लिए आप सिंगल डंडे से बैटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बनाया है, एक डंडे से बॉल का प्रैक्टिस करिए, सिंगल बैट की जगह आप सिंगल डंडे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद छोटी बॉल मैंने बताया था, छोटी बॉल से प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपको आपका फोकस ज़्यादा बढ़ेगा बॉल में और बॉल को सही टाइम कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।